एक बार फिर से पवन सिंह चोरी के गाने को लेकर विवाद में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले पवन सिंह की आईडी से तो शेयर नहीं किया गया, लेकिन प्रियांशु सिंह ने एक पोस्टर शेयर करके बताया कि पवन सिंह का एक नया गाना आ रहा है जो कि एज ए फिल्म से रिलीज किया जाएगा, और पोस्टर को अचानक से रिलीज कर दिया गया। फिर पता करने के बाद पता चला कि शायद ये गाना पवन सिंह का चोरी हो गया है, इस वजह से पोस्टर को जल्दी रिलीज करना पड़ा। तो आखिरकार ये मैटर चोरी का हो कैसे गया, देखते हैं इस वीडियो में। पवन सिंह की आईडी से अभी तक शेयर नहीं किया गया पोस्टर से, लेकिन जिस दिन शेयर किया जाए उस दिन तो पक्का बवाल होगा। अभी कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा जब पवन सिंह की आईडी से शेयर होगा। तो देखो, अगर पवन सिंह के गाने के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है इस गाने को इस साल के चौथा या तीसरे महीने में बनाकर कंप्लीट कर लिया गया था, वही मार्च अप्रैल में। मतलब आज से 4-5 महीना पहले गाना कंप्लीट हो चुका है पवन सिंह वाला। जब भनक लगा कि यहाँ गाना चोरी हो गया है, अचानक से पोस्टर रिलीज हुआ, और पोस्टर पवन सिंह का जब भी रिलीज हुआ उसके बाद एक और पोस्टर रिलीज होता है रोशन सिंह इंटरटेनमेंट चैनल से, और पोस्टर का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है। पवन सिंह के पोस्टर पर लिखा हुआ है कमिंग सून, अभी भी रोशन सिंह के पोस्टर पर कमिंग सून ही है। मतलब जब तक पवन सिंह का गाना रिलीज नहीं होगा तब तक रोशन सिंह भी नहीं करने वाले। जिस दिन रिलीज होगा उस दिन दूसरा वाला गाना रिलीज करके कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाएगा, क्योंकि सच यही है कि पवन सिंह के हिसाब से कुछ ना कुछ व्यूज मिलेगा, क्योंकि बड़ा गाना रिलीज होगा उसी अगर टाइटल से दूसरा गाना यूट्यूब पे छोड़ते हैं, जाहिर सी बात है कुछ व्यूअरशिप बढ़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जान लो, दोनों गाने के फीमेल सिंगर एक ही है, मतलब शिल्पी राज। अगर शिल्पी राज के पास पहले गाना भेज दिया गया, पवन सिंह का गाना पहले गा चुकी है, तो फिर रोशन सिंह वाला गाना गाने का तो कोई मतलब नहीं था। तो बस इंतजार है उस दिन का जिस दिन दोनों गाने रिलीज हों और दोनों गाने सेम मिले। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अगर कंट्रोवर्सी का जाएगा तो वो शिल्पी राज को जाएगा।